तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से पेटीएम मॉल से जीते 3,50,000 रुपए विद प्रूफ। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्रायोटेक नाम मत भूलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा लुक थोड़ा सा चेंज है और आप सब देख रहे हैं। तो अभी मैंने बाल थोड़े से मुंडवा दिए हैं और शेव बनवा ली है, मूछे रखे हैं नत्थू लाल वाली। तो जो बात है आज की, जो वीडियो है, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मैंने 3,50,000 रुपए कमाए। तो बात ऐसी हुई कि मुझे आज सुबह मैसेज आया पेटीएम मॉल के थ्रू, जेन्युइन मैसेज था। उसमें आपको लिखा था कि यू हैव वॉन ऑल्टो K10। मतलब ये कोई और फ्रॉड कंपनी करती तो ठीक था, समझ में आता था कि फ्रॉड है, बट जब ये पेटीएम मॉल से मैसेज आया, ये देखिए जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पेटीएम मॉल से मैसेज आया था और ये बोला गया था कि आपने जो नंबर देख रहे हैं आप इसमें, कि इस नंबर पे कॉल करें रजिस्टर करने के लिए। तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा देखते हैं, मुझे तो वैसे ही पता था कि ये फेक है, बट थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो इनकी क्लास लगाते हैं। तो मैंने अब क्या किया, मैंने इनको कॉल किया। जब मैंने इनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपको ये जो नंबर है इस पे 4,999 रुपये, मतलब 4,999 रजिस्टर करने हैं, इतना पे करना है, और आपको जो प्राइस है, आपका जो गाड़ी के कागज हैं, वो आपको मेल पे, जो रजिस्टर्ड मेल है उस पे मिल जाएगा। मैं भाई सब कुछ जेन्युइन लग रहा था, एकदम जेन्युइन, मैं बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। मुझे भी लगा कि भाई कहीं ना कहीं क्या पता जेन्युइन हो, क्या जब मेरे मन में ये संकोच आ सकता है कि ये जेन्युइन हो सकता है, तो मैंने बोला चलो और तहकीकात करते हैं। तो पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूं जो मैंने उस बंदे से बात की, दो बंदों से मैंने बात की। तो पहले बंदा नंबर वन, उससे मैंने बात की, उसकी रिकॉर्डिंग आप ये सुनिए। सर यहाँ पे जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, जो प्राइज आपको लगा हुआ हमारे कंपनी में, वो अमित मिश्रा जी के नाम से लगा हुआ है। हाँ जी, अमित मिश्रा जी आप हमारी कंपनी के फर्स्ट विजेता है और फर्स्ट प्राइज में आप मारुति अल्टो पेटेंट की गाड़ी जीत चुके हैं सर। हाँ जी, प्राइज का लाभ उठाने के लिए कंपनी की तरफ से सर आपको दो ऑप्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन गाड़ी, सेकंड ऑप्शन अमाउंट। आप गाड़ी लेना चाहेंगे तो आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड हो या राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कलर आपको सेंड करनी होगी सर। और एक रजिस्ट्रेशन सर्विस चार्ज आपको पे करना है 4,999 रुपीज का। रजिस्ट्रेशन सर्विस चार्ज आपको पेटीएम वॉलेट के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको 25% की कैशबैक मिलेगी, और अगर आप भीम UPI, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपको 10% की कैशबैक मिलेगी। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका मेल आईडी पे आपका गाड़ी का पेपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका मेल आईडी है रोहित नील, आपका मेल आई डी है सर मिश्रा मीत 717 जी, ये @yahoo.com, ये जो आपका मेल आई डी है इसी मेल आई डी पे आपका सारा गाड़ी का पेपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपकी गाड़ी पुणे महाराष्ट्र के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि आपका एरिया कोड है 411057। इसी एरिया कोड पे आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्टिंग के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि 25 से 35 आवर के बीच आपके एड्रेस से आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी सर। ओके, अगर मैं अमाउंट लेना चाहूँ तो? अगर अमाउंट लेना चाहेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑन कॉल होगी और यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड आपको सेंड करना है, और अमाउंट आप 3,50,000 आपके अकाउंट पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 5 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा सर। मतलब इसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना है? हाँ, इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, बट लेकिन इसमें आपको ऑन कॉल प्रोसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, अब विथ इन 5 मिनट के अंदर अभी जस्ट अमाउंट आप ले सकते हो। तो कंपनी का व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लें और उस पर आप सेंड करें सर। कंपनी का व्हाट्सएप नंबर? हाँ सर, पेटीएम मॉल का व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन करें, और अगर आप अकाउंट लेना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड सेंड करें, और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और कलर पासन फोटो और एक इंग्लिश में सिग्नेचर आपको सेंड करना होगा, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता जो अमाउंट आप सब दे रहे हैं उसमें से रजिस्ट्रेशन अमाउंट काट लें, देन उसके बाद जो बाकी अमाउंट हो ट्रांसफर कर दें? सर पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होनी है
आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के विद इन 5 मिनट के अंदर आप अमाउंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपका जरूरी है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मस्ट ऑन द पेटीएमएल कंपनी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही प्राइस में आप उठाएंगे सर। तो इसकी ऑथेंटिसिटी और उसके लिए क्या मतलब कैसे मैं भरोसा करूँ कि ये जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ ये सही जगह जाएगा? ये बिल्कुल सही जगह है, कोई किसी तरह की इश्यू नहीं है, 100% आप बिलीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको जो है अब मैं अपना मेल आईडी जो है मैं अपना सेंड कर देता हूँ। अगर आपके साथ पे अगर 5 मिनट के अंदर अगर आपके अकाउंटर पे आपका अमाउंट नहीं आता है तो आप हमारे ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हो, हमारे कंपनी के ऊपर कर सकते हो। कंपनी कौन सी है? पेटीएम मॉल, पेटीएम मॉल से बात कर रहा हूँ और मैं अपना आईडी आपको सेंड कर देता हूँ आपका व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आप पहले आप सेंड करें, उसके मैं अपना आईडी सेंड कर देता हूँ। अब व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर ले कंपनी का। हाँ जी बोलिए। 6203 एक सेकेंड। सर इस पे आप सेंड करें जो भी आप लेना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको हमारा अपना आईडी आपको सेंड कर देता हूँ जिससे कि आप क्लिक कर पाएंगे। तो ये था बंदा नंबर वन। अब जब उस बंदे ने जो नंबर दिया मैंने उस पर कॉल किया तो उसकी रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे सुनिए। हेलो, हाँ जी, यस पेटीएम में आपका स्वागत है। हाँ जी, कौन सर बोल रहे हैं? मैं सुनील शर्मा बातें कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? ग्रेटर नोएडा एनसीआर दिल्ली। ओके, मुझे नंबर दिया गया, पता नहीं आपके कोई एग्जीक्यूटिव है उन्होंने दिया है। जी जी, बोला है कि आपको एक कार वार जीत गए हैं तो आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए इस नंबर पे। जी जी, तो आपने भेजा? मैंने डॉक्यूमेंट तो नहीं भेजा बट मुझे कोई ऑफिशियल ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं आ रही, मतलब समझ में नहीं आया कि ये रियल है फेक है क्या चीज है। सर आपको डिटेल्स जो बताया गया हमारे जूनियर सिक्योरिटी जो आपको बताया है वो आपको गलत बताया है? मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना क्या है इसमें। उसमें आपको मैसेज डिटेल्स दे दी गई है, नीचे में आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन पेटीएम करें, तो रजिस्ट्रेशन पेटीएम करने के लिए हमारे जो जूनियर अधिकारी है आपको बताया है। हाँ जी जी, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4999 बताया गया होगा। हाँ जी जी जी, तो आप मनी ऐड करके रजिस्ट्रेशन पेटीएम करें और अपनी गाड़ी घर बैठे मंगवाएं। तो वो रजिस्ट्रेशन किसको भेजना है? वो आपको कंपनी से मेल जाएगा, उस मेल पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करना होता है, वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा मेल पे। तो अभी तक मुझे कुछ ऐसा मेल तो आया नहीं। जी जी, 1 मिनट आप लाइन पे रहे, जा रहा है, ठीक है। एक बार आप अपना रजिस्टर्ड नंबर बता दें, मैं चेक कर ले रहा हूँ यहाँ। 9797 पे बने हुए हैं सर, अमित मिश्रा के नाम से है सर। हाँ जी, फर्स्ट प्राइज, ठीक है, मेल चेक कीजिए। मेल आया होगा क्या तुरंत? जी जी, अमित मिश्रा 717@yahoo.com। हाँ जी बिल्कुल, चेक कीजिए मैसेज। एक सेकेंड, किस नाम से आया होगा ये? जी पेटीएम मॉल ऑफर्स। यस यस, हेलो हेलो जी। इसमें तो कुछ डिटेल्स डिटेल्स दी हुई है दुनिया भर की। क्या इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है? हेलो हेलो, हाँ जी, तो ये नंबर किसका है? ये मतलब जो अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है किसका है? एमडी एमडी पीछे मॉल का जो एमडी है कामेश्वर राव। जी जी, ओके ठीक है, मैं इस पे ट्राई करता हूँ। और मतलब ये क्या करना पड़ेगा, पहले पे करना है उसके बाद? जी जी, रजिस्ट्रेशन के लिए मनी ऐड कर लीजिए पेटीएम वॉलेट में और उस अकाउंट पे ट्रांसफर करके आप मुझे ट्रांसफर करके कॉल कीजिए और ट्रांसफर का जो सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कंपनी का इसी नंबर पे व्हाट्सएप कराएंगे। आपकी प्राइस यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, गाड़ी का पेपर आपको मेल दे दिया जाएगा। अच्छा, और कोई प्रोसीजर और क्या लगता है? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटो 1 आधार कार्ड। ओके,
मतलब अगर इन केस ऐसा हुआ मैंने नंबर इस पे पैसे भेजे और मुझे कुछ रिस्पांस नहीं आया देन आप सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर उस अकाउंट पे क्लेम कर सकते हैं, उस पे 7 ID लगा हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र वगैरह लगा हुआ है। क्लेम करेंगे कंपनी सील होगी सबसे पहले, 4999 लेकर हमारी कंपनी सील नहीं करवाएगी अपनी कंपनी को। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कस्टमर केयर से बात करते हैं पेटीएम मॉल के। तो अब जो आगे रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे वो पेटीएम मॉल का कस्टमर केयर है, मतलब ओरिजिनल वाला कस्टमर केयर है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनिए। हिंदी के लिए 2 दबाएं, प्रिया ग्राहक कृपया लाइन पर बने रहें, हम आपकी कॉल एजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें, ये कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। Thank you for calling Paytm Mall. My name is Akhil and I'll be glad to assist you. Hi, Asif. This is Amit Mishra और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी। तो एक्चुअली मुझे ना एक कुछ बात पूछनी थी आप सबसे। जी। क्योंकि अभी मुझे सुबह कॉल आया था कि अमित पहले तो मुझे एक मैसेज आया Paytm Mall के थ्रू कि लाइक यू हैव won one Maruti 800 और Maruti Alto K10 और एक मैं नंबर दिया था और उस पर कॉल कीजिए, बट वो जो मैसेज मुझे डिलीवर हुआ वो पेटीएम मॉल के जो उनका आई थिंक ऊपर कंप्यूटराइज्ड मैसेज था, बाकी वो और कोई कह नहीं सकता, और मुझे वहीं से ईमेल भी आया पेटीएम मॉल offers.com से कि यू हैव वॉन्ट दिस दिस दिस। तो ऐसा कुछ ऑफर आप चला रहे हैं या फिर, क्योंकि सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लगता है। जी हाँ जी, मुझे जानकारी चाहिए थोड़ी, आप बता पाएंगे इससे रिलेटेड? जी बिल्कुल सर, आप क्या मुझे मेल आईडी बता देंगे इस मेल से आपको मेल आया था? info@ paytmmalloffers.com offer.com राइट, ऑफर्स है एस लास्ट में, offers.com राइट। हाँ जी, info@ paytmmalloffers.com राइट। हाँ जी, नंबर बता दीजिए, किस नंबर से आपको मैसेज आया था? एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, ये इसमें तो लिखा हुआ है BW-IPATM, बस BW, एक सेकेंड फिर से देखता हूँ। एग्जैक्ट नंबर्स और एग्जैक्ट जो अल्फाबेट्स आप हैं मुझे बता दीजिएगा जरा। इसमें नंबर कहाँ से दिखता है? इसमें आया है, देखो वो जो ऊपर आईडी होती है BW-IPATM PM, मतलब वही BW-IPATM IPATM राइट। हाँ जी बिल्कुल, मैं चेक कर ले रहा हूँ इसका मैं। क्या आपकी कॉल को होल्ड रख सकते के लिए? हाँ जी रख दीजिए, थैंक यू। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद जी। मिस्टर अमित, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये मैसेज हमारी तरफ से नहीं आई है, ठीक है? आपको कोई भी मैसेज या कॉल, और आपको बताना चाहूंगा ऐसे कोई भी कॉल या मैसेज का आप रिप्लाई मत करें, ठीक है? और बाकी आपका केस जो है, ठीक है, वो मैं आगे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि ये ऐसे आपको ऐसी कॉल से मैसेज क्यों आ रहे हैं। तो ये ऐसे मैंने जब इस पे गूगल किया तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंप्लेंट डाल रखी है, बट पेटीएम की तरफ से आई थिंक कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। और एक बार मैं बोलना चाहूंगा, मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या 2 मिनट के लिए, आप कुछ बोलेंगे? क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और हाँ, और मैं इसको थोड़ा पब्लिकली डाल सकता हूँ, तो आप दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऐसी कोई भी कॉल और मैसेज का जो है रिस्पॉन्स ना करें आप। ठीक है, थैंक यू। और मैं बाकी आपका जो केस है वो आगे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी टीम, ठीक है, और आपको जल्द से जल्द रिवर्ट देगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मिस्टर अमित कुमार कि जब भी कोई भी ऐसा इस तरह कोई भी ऑफर होता है, ठीक है, कोई भी जेन्युइन जो ऑफर्स होते हैं वो आपकी डिटेल्स कभी नहीं पूछते सर, ठीक है, वो आपकी डिटेल्स नहीं पूछते। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, वो आपको डिजिटली कांटेक्ट कभी नहीं करते हैं। और इतने बड़े अमाउंट के लिए आई थिंक अगर आपको कार गिफ्ट की जा रही है तो कार और कैश दोनों, मतलब दोनों में से कोई भी एक, इट्स योर चॉइस।
जी बिल्कुल सर, और वो कोई भी डिजिटली ऐसा आपने सुना होगा कि फ्रॉड्स कॉल्स आती है, ठीक है, ये उस तरह की कॉल्स हैं, तो इनका प्लीज रिस्पॉन्स मत करें, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं और आई मीन कैसे कर रहे हैं इसका बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। और ये 4999 बोलते हैं रजिस्टर करने के लिए इस ऑफर के लिए, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है बस, ऐसा भी होता है जी। कोई भी ऑफर होगा, ठीक है, अगर कोई भी ऑफर होगा, कोई भी जेन्युइन ऑफर होगा, तो आपसे इसके लिए पैसे, सर आई डोंट थिंक कि आपसे कोई पैसे के लिए पूछेगा। तो आई थिंक कि आप इतने समझदार हैं कि अगर आपसे कोई पैसे के लिए पूछ रहा है और अगर आप कर रहे हो, आई नो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये ऑफर जो है वो जेन्युइन है, बट अगर पेटीएम कोई भी ऑफर देगी तो आपसे पैसे के लिए कभी नहीं पूछेगी, ठीक है। हाँ जी, कई सारे ऑफर्स होते हैं, आप साइट्स भी देख सकते हैं, ऐसा कोई भी ऑफर है तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन ओपन करके देख सकते हैं, अगर एप्लीकेशन पे ऑफर है देन उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपने उसके लिए कोई भी पे किया हुआ है या कोई भी आपने उसके लिए कोई भी ऑर्डर किया हुआ है उस ऑफर के लिए, उस पार्टिकुलर ऑर्डर के लिए, तो उसके लिए पेटीएम रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर वो आपको डिजिटली कहीं से मेल्स आ रही है, ठीक है, किसी दूसरे नंबर से मेल्स आ रही है, देन सर बिल्कुल हम उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, पर आप प्लीज ऐसे ट्रैप में मत फंसे, ठीक है, पेटीएम के नाम से कोई भी फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल पेटीएम, बट पेटीएम आपको पहले ये सजेस्ट करती है कि आप प्लीज ऐसी कॉल और मैसेज का रिस्पांस ना करें, जी जी, ठीक है, और बाकी हम अपने एंड से इन्वेस्टिगेट करते हैं। जी, थैंक यू। आपका नाम आप बताएंगे एक बार फिर से? सर आकिब नवाज। नवाज, आकिब नवाज, आकिब नवाज। ओके भाई, आकिब भाई थैंक यू सो मच ऑडियंस को बताने के लिए, और लिटरली रियली थैंकफुल हूँ कि आपने थोड़ा बताया ऑडियंस को, अब थोड़ा लोग अवेयर रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू भैया, थैंक यू, ओके, थैंक यू। तो मुझे तो वही शक हो गया था जब मैंने आई पेटीएम देखा कि भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो फिर मैंने उस पर तहकीकात की तो ये समझ में आया कि पूरा फ्रॉड है, पूरा स्कैम था। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जिन लोगों को ऐसी कॉल्स आए या फिर मैसेजेस आए कि आपने ऑल्टो जीती है, तो कभी भी इस पे भरोसा मत करिए और ट्राई करिए कि इसको रिपोर्ट करें और उन लोगों को सुनाए अच्छे से कि भैया जो तुम गोरख धंधा चला रहे हो वो चलेगा नहीं, और उनके जो नंबर है उसकी कंप्लेन करें, पुलिस में जाके दें, और मतलब कितना कॉन्फिडेंस है उनको कि भाई बोलते हैं कि जाके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, कि बंदा उन पर ट्रस्ट कर ले और मतलब ये बंदे का काट दे। तो बस यही गुजारिश है आप सबसे कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बताइए कि कैसा फ्रॉड ये कर रहे हैं और मतलब भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ हो, और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड चलिए, मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूं अपने फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय।